दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महानतम कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया को मिली हार के बाद पूरे हिंदुस्तान में शोक का माहौल था, जिसे देखकर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी भावुक हो गए, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने टीम को न्याय दिलाने के लिए ICC से मीटिंग करके किया ऐसा ऐलान, जिसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने क्यों ICC से रातों रात करी मीटिंग, क्या कुछ हुई बातचीत, ये सब कुछ तो हम आपको मुकेश अंबानी नीता अंबानी के बयान में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महानतम कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया का टूट गया विश्व कप खिताब जीतने का सपना। 2003 की तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया टीम ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, कप्तान रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी टीम के लिए 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन KL राहुल ने 66 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने भी 54 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 50 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 240 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने मध्य स्कोर रखा था, उनका हौसला तो इसको देखकर ही बुलंद था। ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस मैच में ट्रेविस हेड ने 137 रनों की तूफानी पारी खेल अपनी टीम को 6वीं बार विश्व कप का खिताब दिला दिया, साथ ही टीम इंडिया का सपना चकनाचूर कर दिया। भारत की हार पर स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शक फूट फूट कर रोने लगे, वहीं खिलाड़ियों की आंखों में आंसू आने लगे। विराट कोहली तो अपने आंसू को पोंछ नहीं पा रहे थे, हार का दर्द साफ झलक रहा था। वहीं टीम इंडिया की हार पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी यानी मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी की भी आंखों में आंसू भराए और उन्होंने ICC से दोबारा मैच करने के लिए रातों रात मीटिंग करने का फैसला किया और सबसे बड़ा डिसीजन लेते हुए अब खुलासा कर दिया। तो चलिए हम आपको उनके बयान में ही सुनाते हैं। अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भारत की हार पर भावुक होते हुए ICC से मीटिंग कर फैसला लेते हुए बयान दिया कि टीम इंडिया की हार पर हम लोग भी बहुत भावुक हो गए थे, हम लोगों की आंखों से तो आंसू निकल आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला इतनी आसानी से हार गई। इस मैच में कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है और एम्पायर ने भी हम लोगों का साथ नहीं दिया। मार्नस लबुशने आउट थे लेकिन एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया, जिसके कारण मैच का पूरा रुख यहीं से बदल गया। इसके बाद मैंने मन बना लिया रातों रात की ICC से मीटिंग करते हैं और दोबारा विश्व कप का फाइनल मैच करते हैं। तो ICC के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई और दोबारा अब विश्व कप फाइनल मैच जल्द से जल्द कराया जाएगा और करोड़ों हिंदुस्तानियों को इंसाफ दिया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे फाइनल मैच में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करेगी और किसी भी हाल में ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी भारत की हार पर भावुक हो गई और ICC से दोबारा मैच करवा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जिसमें मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम का वास्तविकता में खराब प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। भारतीय टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया था लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है, जिसके चलते भारत इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाया। भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में सभी खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम जीत कर लेती हासिल, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम को खराब गेंदबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ज्यादातर मैच भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने दम पर जीते और यहाँ पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। तो गेंदबाजों के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल भी देखने को गेंदबाजों के द्वारा नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जब बल्लेबाज ज्यादा रन बनाते हैं तो गेंदबाजों को अपना फायदा मिलता है, लेकिन जब बल्लेबाज काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हैं तो गेंदबाजों के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहना चाहिए, क्योंकि गेंदबाजों का कार्य सिर्फ बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद बेहतर प्रदर्शन करने का नहीं होता है, बल्कि बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन करने के बावजूद गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाने के लिए भी होता है, जो आज देखने को नहीं मिला है। आज के मैच में मोहम्मद शमी ने पहला विकेट दिलाकर भारतीय समर्थकों की उम्मीद को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर जिस प्रकार से मोहम्मद शमी ने इसके बाद खराब गेंदबाजी की और मोमेंटम विरोधी टीम को दे दिया, उसके चलते भारत इस मैच को हार गया। इस मैच में भारतीय टीम की हार को देख मैं काफी निराश हूं। मुझे लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम को मोहम्मद शमी की खराब गेंदबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मोहम्मद बड़े बदलाव के साथ कर दिया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने आप को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। दरअसल पिछले मैच में सेमीफाइनल के अंदर रोहित शर्मा ने 47 रन की तूफानी पारी का योगदान दिया, जिसके चलते भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूती हासिल कर पाई। ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में तूफानी पारी खेलते हुए दिखाई दिए थे और 80 रन का नाबाद योगदान देकर आए थे।
ऐसे में एक बार फिर से शुभमन गिल को उनके सबसे मन पसंदीदा मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल कर लिया है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को शामिल कर लिया है। दरअसल पिछले मैच में विराट कोहली ने 117 रन का सर्वाधिक योगदान दिया और सभी को प्रभावित करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड के साथ दर्ज कराया। ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा को विराट कोहली ने बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद फाइनल मैच में रहने वाली है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया है, जिन्होंने अपने जबरदस्त फॉर्म के चलते भारतीय टीम को लगातार मध्यक्रम में मजबूती दिलाई है। पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने 105 रन की तूफानी पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम को जीत की नींव मिली थी। ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर से बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे हैं। इनका साथ देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने मध्यक्रम में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को शामिल किया है, जो अपने जबरदस्त फॉर्म के चलते भारत को जीत दिलाएंगे। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारत को 400 रन के करीब ले जाने का काम किया। ऐसे में एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की गई है। कप्तान रोहित शर्मा ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को बाहर किया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया है, जो पिछले मैच में भारत के साथ मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। ऐसे में अब रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की तरफ से फाइनल मैच खेलने के लिए हार्दिक पांड्या अपने आईपीएल टीम के घरेलू मैदान पर पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन एक बार फिर से उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया है। पिछले मैच में कुलदीप यादव ने एक विकेट हासिल किया, तो ऐसे में एक बार फिर से उनसे इसी तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है, जो पिछले मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर जसप्रीत बुमराह से शानदार गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया, जिन्होंने पिछले मैच में एक विकेट लिया था। ऐसे में एक बार फिर से उनसे शानदार गेंदबाजी की उम्मीद है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने अंतिम गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया, जो अपने जबरदस्त फॉर्म में है। ऐसे में एक बार फिर से उनसे मैच की तरह उनसे 7 विकेट की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में इन 11 प्लेयर्स के साथ कप्तान रोहित शर्मा अहमदाबाद के मैदान पर वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतकर चैंपियन बनाने का काफी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की तरफ से फाइनल मैच में किन 11 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी में केएल राहुल ने सर्वाधिक 66 रन का योगदान देते हुए भारत को 240 रन 50 ओवर में ले जाने का कार्य किया। हालांकि विराट कोहली ने 54 और रोहित शर्मा ने 47 रन का योगदान दिया, लेकिन इससे लक्ष्य का पीछा करने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर आई तो मोहम्मद शमी ने एक और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से हेड ने अपना शतक लगाकर भारत को मैच में पीछे किया और इस मैच को 6 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बन गई। जिसके बाद मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का मोहम्मद शमी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान आया है, जिसमें मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम का वास्तविकता में खराब प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। भारतीय टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है, जिसके चलते भारत इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाया। भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में सभी खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम जीत कर लेती हासिल, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम को खराब गेंदबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ज्यादातर मैच भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने दम पर जीते और यहां पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। तो गेंदबाजों के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल भी देखने को गेंदबाजों के द्वारा नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जब बल्लेबाज ज्यादा रन बनाते हैं तो गेंदबाजों को अपना फायदा मिलता है, लेकिन जब बल्लेबाज काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हैं तो गेंदबाजों के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहना चाहिए, क्योंकि गेंदबाजों का कार्य सिर्फ बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद बेहतर प्रदर्शन करने का नहीं होता है, बल्कि बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन करने के बावजूद गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाने के लिए भी होता है, जो आज देखने को नहीं मिला है। आज के मैच में मोहम्मद शमी ने पहला विकेट दिलाकर भारतीय समर्थकों की उम्मीद को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर जिस प्रकार से मोहम्मद ने इसके बाद खराब गेंदबाजी की और मोमेंटम विरोधी टीम को दे दिया, उसके चलते भारत इस मैच को हार गया। इस मैच में भारतीय टीम की हार को देख मैं काफी निराश हूं। मुझे लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम को मोहम्मद शमी की खराब गेंदबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी के कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।